हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट के एक और नए गेम प्ले वीडियो में। इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट लकी स्काई ब्लॉक, और इसमें जो है सिंपल से हमें जो है चार आइलैंड दिए गए हैं, वहाँ पे भर भर के लकी ब्लॉक्स है, और उसे ब्रेक करके हमें जो है कुछ लकी मिलेगा या फिर कुछ भी मिल जाएगा। तो हमें जो है सिंपली जो है उसे लेना, और यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे जो है एक एंड पोर्टल है, तो हमें वहाँ जाके एंडर ड्रैगन को कूट देना है। बस इतना ही करना हमें। अब ये बोलने में काफी ज्यादा ईजी है, पर मेन दिक्कत आती है इन ब्लॉक से मिलेगा क्या, क्योंकि रैंडम चीज कुछ भी मिल सकती है हमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लेना। तो यहाँ पर जो एक चेस्ट है, और उसमें जो है मुझे एक वाटर बकेट, डर्ट, पिकैक्स, सैपलिंग, कोबलस्टोन और लावा बकेट मिला है। तो हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो हमें ब्लॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है चार आइलैंड है, तो हमें जो है हर आइलैंड तक जाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो हमें जो है ब्लॉक्स चाहिए होंगे। तो मेन जो हमें इसमें ब्लॉक्स को ढूंढना है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते लकी ब्लॉक्स को ब्रेक करना, और पता नहीं मुझे क्या मिलेगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिल रही है। यहाँ पर शायद से मुझे जो है स्वॉर्ड मिली, और यहाँ पर नेदरलैंड की स्वॉर्ड मिल चुकी है, तो इसे जो मैं बचा के रखूँगा। यहाँ पे मुझे शवल भी मिल चुका है नेदरलाइट का, और यहाँ पे नेदरलाइट के बूट्स भी मिल गए हैं, तो शुरुआत तो अच्छी हुई है। तो इन सब को जो है मैं पहले यहीं पे संभाल के रखूँगा, क्योंकि इनको जो है मैं सीधा फाइट में यूज़ करूँगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसे बीच में कभी भी है कहीं पता चले मैं नीचे फिसल के मर जाऊँ, तो सारी चीज़ें जो है मेरी गायब हो जाएगी। तो इससे अच्छा मैं जो एक छोटा सा घर ही बना लेता हूँ, मतलब एक ऐसी शेल्टर टाइप, जिसमें जो है मैं चेस्ट वगैरह, बेड वगैरह रख सकूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है बना दिया, तो चलो इसमें जो है रख देंगे बाकी चीज़। और हाँ, मुझे याद है मेरे पे जो एक सैपलिंग भी थी, तो यहाँ पे जो है मैं सैपलिंग लगा देता हूँ, क्योंकि जो है मुझे इससे वुड मिल जाएगी, तो वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, उससे मैं प्लैंक्स बना लूँगा काफ़ी सारे, तो वो ब्लॉक्स का काम कर ही देंगे। तो यहाँ पे मैं सारे पहले लकी ब्लॉक्स को ब्रेक कर देता हूँ, और जितनी भी चीज़ें मुझे मिली है मैं सबसे पहले इस चेस्ट में उसे स्टोर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रात होने वाली है। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है, और ये देख सकते हो मैं जो सैपलिंग लगाया था उससे जो है ट्री भी बन चुका है। तो सबसे पहले इसकी सारी वो जो है वुड कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उससे प्लैंक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, उसको यहाँ पे रखता हूँ, उससे एक चेस्ट बना लेता हूँ, उसमें मैं बाकी सारी चीज़ें को स्टोर करवा दूंगा। और यहाँ पे मेरे पे एक बैरल भी है, तो सबसे पहले जो एक चेस्ट को यहाँ पे रखते हैं, इसमें जो जितनी भी चीज़ें रख सकता हूँ मैं रख देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पे बैरल था, तो उसको भी जो है यहीं पे रखते हैं, और उसमें भी चीज़ें जो स्टोर करवा देते हैं। और यहाँ पे मुझे जो इंचेंटेड एप्पल भी मिल चुका है यहाँ पे, और काफ़ी सारे मिले, और यहाँ पे मेन जो है आई ऑफ एंडल भी मिल चुका है मेरे को। तो मेन जो है मुझे आई ऑफ एंडल चाहिए, और स्वॉर्ड वगैरह तो आ गई है हाथ में, बस मुझे जो है आर्मर चाहिए। तो यहाँ पे मुझे जितनी चीज़ें मिल सकती थी मैं ले लिया। अब जो है डायरेक्ट जो है सेकेंड वाले आइलैंड पे चलते हैं, डर्ट हाथ में है ही। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे जो है सबसे पहले इस चेस्ट में देखते क्या है, ऑब्सीडियन। मैं नैदर में जाने वाला हूँ नहीं, तो इसको जो है मैं ब्लॉक्स की तरह यूज़ कर लूँगा, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो है हमें हर आइलैंड पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आई ऑफ एंडर चाहिए। बिना आई ऑफ एंडर के जो एंड पोर्टल है उस मतलब यूज़ में कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहीं पर जो इन सारे ब्लॉक्स को ब्रेक करता हूँ। तो यहाँ पे जो देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने ब्रेक की, और मेन जो अच्छी बात है वो मुझे नेदरलाइट का आर्मर मिल चुका है पूरा, और साथ ही जो है मुझे एक आई ऑफ एंडल भी मिल गई थी। तो ये वापस से अपनी जगह पे आ चुके हो, बैरल में जो है चीज़ों को जो है मैं स्टोर करवा लेता हूँ, और लाइटर भी है मेरे पे, पर मेरे पे रॉकेट नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो थर्ड वाले आइलैंड पे चलते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर जो आ चुका हूँ मैं, और यहीं पे जो है स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो पहले जो है इस आइलैंड में से सारे ब्लॉक्स को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इस जगह को पूरा ब्रेक किया, और यहाँ से भी जो है मुझे एंडर पर्ल जो है मिल चुकी है, और ब्लेज लॉर्ड भी है ही, तो हम जो इससे आई ऑफ एंडल बना लेंगे। तो यहाँ पे एक नई चेस्ट मैंने ली, उसको यहाँ पे रखता हूँ, बाकी चीज़ों को स्टोर करवा देते हैं। मेन जो है ब्लॉक्स को हमें स्टोर करवाना है, क्योंकि उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा। और यहाँ पे जो है कुछ सैपलिंग भी मिली थी मेरे को इन लीव्स को कट करने पे, तो मैंने लगा दी उसे। बाकी हम जो है लास्ट वाले आइलैंड पे चलते हैं, और यहाँ पर जो है ब्लॉक्स कम पड़ गए, थोड़े वापस से आना पड़ा मेरे को। तो यहाँ पे देखते क्या देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहीं से ब्रेक करना, और मुझे जो है बस आई ऑफ एंडल चाहिए, बाकी चीज़ें तो हमारे पास अब हो ही चुकी है। तो यहाँ की भी जो है मैंने सारी चीज़ें ब्रेक कर दी, और मुझे जो है यहाँ से जो है जितनी भी चीज़ें चाहिए थी मुझे मिल चुका है, मुझे एंड आई ऑफ एंडल भी मिल गई है, तो बस मुझे वही चाहिए था, वो ब्लॉक्स मिल ही गए हैं थोड़े, तो उसको भी देख लेंगे। यहाँ पे एक सैपलिंग भी था, तो वो ट्री बन चुका था, तो मैंने उसकी वुड ले ली, और मेरे को जो है ब्लॉक्स और ज़्यादा मिल गए। तो अब जो है डायरेक्ट ये एंड पोर्टल की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और एक ब्लॉक कम पड़ गया मुझे ऊपर जाने के लिए, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो अब जो है मैं सारी जितनी भी फाइट के लिए ले सकते हो चाहिए वो चीज़ें ले लेते हो, क्योंकि अब मैं वापस तो आऊँगा नहीं। तो यहाँ पे जो है मेरे पे और टोटम ऑफ अंडाइंग भी जो है दो है,
तो उसको भी देख लेंगे। और ट्राइडेंट है उसमें कुछ लॉयल्टी ये सब लगा नहीं है, बाकी हमारे पास बो है और स्वॉर्ड भी है ही। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ब्लैक स्टोन ब्लॉक लगाते हैं। अब यहाँ पे आइए फेंडर लगाते हैं। और एक आयो फेंडर कम पड़ गई, मुझे वापस से आना पड़ेगा। मतलब मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके उतना ज़्यादा टाइम लग रहा, तो यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं, 3 2 1 लेट्स गो। तो हम जो यहाँ पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे तो मैं आ चुका हूँ, और सबसे पहले जो मेरे पे थोड़े से ब्लॉक्स है एंड पॉटर एंड क्या बोलते हैं पीले वाले ब्लॉक्स को, वही है। तो उसी का यूज़ करके जो है सबसे पहले ऊपर आता हूँ। सारे जो क्रिस्टल है एंड क्रिस्टल उनको जो है ब्रेक करेंगे। ये गया पहला, ये गया दूसरा, ये गया तीसरा, ये गया चौथा, और ये गया पांचवा। तो फाइनली जो है सारे के सारे एंड क्रिस्टल यहाँ से हटा दिए हमने। अब जो है बस खाली एंडर ड्रैगन बचा, तो उसे देखो कैसे मारते हैं। यहाँ पे एंडर ड्रैगन नीचे आ चुका है, तो हमारे पास जो है स्वॉर्ड है वैसे उतनी ज़्यादा हेल्थ जा नहीं रही, क्योंकि इसमें कोई इंचेंटमेंट लगी नहीं है। यहाँ पर पहली बार आ गए, दूसरी बार आया, देखते हैं इसमें कितनी हेल्थ जाती है इसकी। चलो ये तीसरी बार आ गया, तो इस बार भी इसकी हेल्थ काफ़ी आई। तो लास्ट है, इस बार तो मर जाएगा और इंडाइन भी है, तो दिक्कत की बात नहीं। चलो मारते इसे, बस होगी मत जाइए यार, वरना थोड़े के लिए टाइम लग जाएगा बस। और हमने फाइनली एंडर ड्रैगन को मार दिया। और ये जो रोशनी होती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आपको कितना ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि अब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब ऐसा देखता हूँ मैं। तो हाँ गाइस, फाइनली हमने जो है इसको ख़त्म कर दिया। तो गाइस बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपने कभी एंडर ड्रैगन को मारा या फिर नहीं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।